हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेनसडे के दिन मार्केट किस तरह से वर्क करेगा। अगर आज डाउ जोन्स देखेंगे हमारा, तो डाउ जोन्स 552 पॉइंट से नेगेटिव है। और आज का जो अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लगातार 4 दिन से नेगेटिव चल रहा है। उसका अगर रिसेंट वाला लो देखेंगे, जहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था 2 दिन के लिए, वो है 17,718 का लेवल। अगर वो ब्रेक करता है तो अपकमिंग डेज में हम लोग को 17,400 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग इंट्राडे के लिए देखते रहेंगे, तो इंट्राडे के लिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, जिसमें ये जो 18,000 की लेवल है वहाँ से एक शार्प डाउन मूव आया था। वो डाउन मूव 17,800 तक का था। ओके, तो यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे यानी आज के डे में, टुडेज मार्केट, उसमें मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, जिसमें 17,800 के लेवल पे मार्केट ने लगातार 3 दिन 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये जब मार्केट एक ही लेवल पे बहुत बार ज़्यादा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो ये वीक हो जाता है लेवल। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइक कल के डे में यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ओके, तो 17,800 की लेवल इंट्राडे के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद में 17,900 की लेवल, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल थी, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन चेन का डाटा अगर देखा होगा 20 का, तो ये वाले लेवल पे एक बड़ी अमाउंट में कॉल राइटिंग हुई थी, ये लेवल पे 17,900 की लेवल पे। तो अगर ये लेवल टूटती है 17,800 की लेवल, तो हमें 17,700 से लेके 17,400 की लेवल भी देखने मिल सकती है। सेम चीज़ हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखने जाएंगे, तो 39,700 से लेके 39,800 की लेवल, जो कि ये वाली लेवल है, वहाँ तक मार्केट गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर सेम चीज़ ये कैरी फॉरवर्ड के लिए हम लोग देख सकते हैं, लाइक जो लोग आज बाय करके 2-3 दिन होल्ड करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 39,787 की लेवल। अगर जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए ये वाले लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें ये 41,256 की ये वाली लेवल है, वहाँ से एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, वो 40,600 तक का था। तो ये एक लेवल है जिसमें ये लेवल पे जो है सेलर बहुत बड़ा है, 41,253 की लेवल पे बहुत बड़ा सेलर बैठा है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि ये वाली है, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया था ब्रेक करने का, बट वो कर नहीं पाया, जो कि है 40,900 की लेवल। अगर ये सेम चीज़ भी अगर 20 का आपने ऑप्शन चेन देखा होगा, तो जो ये 40,900 की लेवल थी, वहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हुई थी। तो इसी इसी वजह से आज मार्केट ने इसको ये किया है, लाइक मार्केट ने इसको रिट्रेसमेंट ट्राई करने की ब्रेक करने की सॉरी ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट मार्केट ये ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर बैठा था। ओके, तो मार्केट ने सेम चीज़ यहाँ पे भी की है, जैसे कि निफ्टी के इसमें हुआ था, कि यहाँ पे बहुत बार ज़्यादा सपोर्ट लिया 40,600 की लेवल पे। तो कल के डे में ये चांसेस ज़्यादा है कि ये लेवल भी टूटेगी और हमें 40,500 से लेके 40,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।